स्वामीनारायण संप्रदाय के एक और साधु फिर विवादों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर दिनेश प्रसाद नाम का ये शख्स हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जहर उगल रहा है। अब क्या सामने आया नया विवाद, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर के बाद में। सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्वामीनारायण संप्रदाय के कथित साधु की करतूत एक बार फिर सामने आई है। इस कथित साधु ने सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं के बयान पर जहर घोल दिया है। वीडियो में दिख रहे स्वामीनारायण साधु का नाम है आचार्य दिनेश प्रसाद। इस वीडियो को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा होने की पूरी संभावना है। देवता काढ़वाना छे, आपणे भगवान ने आज्ञा छे, आ जे कई थाय छे ए लीला भगवान नी छे, हुं समजीने चालो। दरेक संप्रदाय में हुं आज पहोंचाड़वा हरिभक्तो तमारा गुरु आचार्य ने पहोंचाड़जो के भगवान स्वामीनारायण आवे हिंदू समाज थी कुराजी थई गया छे सनातनीओ थी। स्वामीनारायण संप्रदाय वाला સાંભળી લો, તમને પણ આજ્ઞા કરે જ છે ભગવાન, આપણે હવે કોઈ દેવી દેવતા સાથે કોઈ લેવા દેવા રાખવાની નથી। રાજીદેજો સંપ્રદાયમાં સંતો હરિભક્તો આચાર્યો આ ભગવાન આપણા આખો ધર્મ અલગથી કરી રહ્યા છે, એટલે એમની સાથે જોડાવાનું રહેશે, તો સનાતનીમાં આવવાની કોઈ જરૂર છે નહીં આજથી। અને બીજું ખાસ, કોઈ પણ ધર્મના સનાતન સિવાયના, મુસલમાન હોય, દરગાહનો ધર્મ પાળતા હોય, મસ્જિદનો ધર્મ પાળતા હોય, ખ્રિશ્ચન, ઈસાઈ, ઈસાઈ જે કઈ પ્રકારના કોઈ પણ બીજા કોઈ પણ ધર્મના હોય સનાતન સિવાયના, એમણે મને ફોન કરવો। ને બીજા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય જેટલા પણ છે એ લોકો જ કેવળ આવી શકે હિન્દુમાંથી। હિન્દુમાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય, બાકીના બધા ધર્મવાળા મારી પાસે આવો, તમારા બધા રોગ ભગવાન કાઢી આપશે। આજે ભગવાને આજ્ઞા કરી છે, આજે બગડા બોલવાનું છે આપણે, એટલે બોલી રહ્યો છું। અને સનાતન ધર્મવાળા કોઈએ પણ આવે મારા બાજુ ફરકવાનું નથી। સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ ઇસ વિડીયોમાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય કે એક સાધુ ફિર વિવાદમાં આ ગયે હૈ। વિડીયોમાં દિનેશ પ્રસાદ નામ કે આચાર્ય કહે રહે હૈ કે વહ હિન્દુ ધર્મ ઓર સનાતન કે ખિલાફ હૈ ઓર ઉનકે પાસ મત આયે। यहाँ वीडियो में आगे कह रहे हैं कि मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों को एक साथ रहने और हिंदुओं का विरोध करने का आह्वान किया जा रहा है। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलकर अन्य धर्मों के लोगों को स्वामीनारायण संप्रदाय में शामिल होने का आह्वान किया जा रहा है। स्वामीनारायण संप्रदाय के साधु दिनेश प्रसाद ने वीडियो में कहा कि स्वामीनारायण भगवान ने मुझे सभी दर्द ठीक करने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया में वायरल और एक विवादित बयान के स्वामी के वीडियो को लेकर नया बवाल शुरू होने की संभावना है। जीएसटीवी न्यूज यहाँ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट GST।